तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। अब यार जितने भी लोग पबजी मोबाइल रोज खेला करते थे या फिर उसके एक बहुत बड़े डाई हार्ट फैन थे, वो लोग दिल थाम के बैठो, क्योंकि आपको मैं दूंगा एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी न्यूज। अब इससे अच्छी न्यूज क्या हो सकती है कि आपकी गेम अनबैन हो जाए। तो इसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक आपके लिए उम्मीद की किरण जागी है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आपके लिए वापस आ गया हूं। तो आप लोग यार अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। अब मेरी बात सुन लो। अब आपको पता है एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है टैप टैप। ये एप्लीकेशन कहाँ वर्क करती है? चाइना में वर्क करती है। ये एप्लीकेशन है कैसी? ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही प्ले स्टोर की तरह होती है, आप लोग वहाँ से भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये एप्लीकेशन चाइनीज़ है, तो मतलब यार हम क्यों करेंगे, हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे ना। अब बात सुनो क्या हुआ। वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर एक स्टेटमेंट रिलीज़ करी पबजी मोबाइल ने, और वहाँ पर एक्चुअली चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा था। अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ आता है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। एक्चुअली इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है हमारी जो गेम है उसके अंदर एक न्यू अपडेट आने वाला है। आपको पता है इरेंगल 2.0 इसके अंदर आने वाला है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा डिले कर दिया जाए 8 सितंबर के बाद। इन्होंने ऐसा भी कहा है कि हो सकता है कि हमारी इंडिया में ये गेम वापस आ जाए और इंडिया का पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन आए। मतलब आपको पता है कोरिया में कोरियन पबजी मोबाइल चलती है, और चाइना में तो यार कोई पबजी नहीं चलती, वहाँ उन्होंने अपनी गेम बना दी है गेम ऑफ पीस के नाम की। तो वो एप्लीकेशन मतलब यार अजीब है ना वो, मतलब मैंने देखी गेम, वो तो बेकार लगी यार मुझे गेम। उसके अंदर वो कुछ भी ऐड कर देते हैं, मतलब बीच में ड्रैगन ऐड कर दिया था, एक अच्छी खासी गेम का कचरा कर दिया उन्होंने। तो चलो कुछ नहीं होता, हमको क्या लेना देना उनसे। लेकिन अभी फिलहाल न्यूज़ ये है कि आपकी गेम हो सकता है वापस आ जाए, और इसके अंदर आपको सारी की सारी इंडिया की चीज़ें देखने को मिलें। इंडिया की चीज़ें कैसे देखने को मिलें, मतलब कि जितने भी सर्वर होते हैं वो सारे के सारे इंडिया में देखने को मिलें। इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि हमारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है प्लेयर्स की, वो सारी की सारी स्टोर करके रखी जाएगी इंडिया में, USA में, या फिर हो सकता है कहाँ पर हो सकती है बताओ यार, मैं भूल गया हूँ, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में कह रही मतलब 3 जगह है जहाँ पर हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी, और हमारी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि हमारी IP एड्रेस हो गया, हमारा जो ईमेल एड्रेस हो गया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रखी जाएगी। इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई प्लेयर है पबजी मोबाइल का, अगर वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहता है और वो डीएक्टिवेट कर देता है, उसके 1 महीने के बाद ही आपकी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्राइमरी और जनरल है, सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर दी जाएगी टोटल। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एंड मतलब यार मुझे लगता है कि गेम वापस आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, कुछ कहना नहीं है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। और यार मुझे एक चीज़ ना समझ नहीं आई, आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि ये जो टैप टैप वाले हैं, मतलब यार एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, मतलब यार ये जो पबजी वाले हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करी चाइना के अंदर और ये बताया कि हम लोग आपसे कोलैबोरेशन तोड़ देंगे। पता नहीं ये क्या सेंस बन रही है, ये चीज़ इंडिया में बताओ ना यार डायरेक्टली कि हम लोग हो सकता है आपके लिए एक इंडिया का पबजी मोबाइल लेके आ जाएं। तो ये चीज़ यार मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन चलो कुछ नहीं होता। कुछ इन्फॉर्मेशन टैप टैप पे पहले दे दी जाती हैं, जैसे APK प्योर पे दे दी जाती हैं, तो वैसे ही है चलो। और APK प्योर यार चाइनीज़ नहीं है, मैंने कंपेयर किया है इसको अभी। तो आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता है, किंगर YT लेके आता है। तो आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। ये विनोद यार, विनोद का कच्चा चिट्ठा निकलवाओ और जरा चौकी में बुलाओ, हम दर्शन करेंगे विनोद के, लिफ्टमैन विनोद।